वायकर श्री रविंद्र वायकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे नागर विमान मंत्री जी के द्वारा लाया गया भारतीय आयुष्मान विधेयक 2024 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। महोदय, भारतीय आयुष्मान विधेयक 2024 ये विधेयक 90 साल पुरानी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा। कई सदस्यों ने कहा कि ये जूना ही बिल है, उसको वैसा ही लाया है, मगर स्वतंत्रता का पूर्व 1934 का जो है विधेयक कि इसके अंदर बदल होना बहुत जरूरी था और उसी के माध्यम से एयरक्राफ्ट 1934 में सुरक्षा निगरानी बढ़ाने, एविएशन सेक्टर की ग्रोथ जो जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कई बार संशोधन किया गया। महोदय, 90 सालों की अवधि में अनेक संशोधनों के चलते स्टेक होल्डर्स के लिए पैदा हुए भ्रमों और स्पष्टता को दूर करने, जरूरत से ज़्यादा हो गई चीज़ों को हटाने और एविएशन सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस में आसानी लाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसके लिए ये बिल को पेश किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक कानून की स्पष्टता को दूर करना है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों का समर्थन करने के लिए विमानन क्षेत्र में बराबर कारोबार और विनिर्माण को आसान बनाने के लिए सक्षम प्रावधान करने के लिए विधेयक है। अध्यक्ष महोदय, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य न केवल भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र को मजबूत करना बल्कि ग्लोबल स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करना है और इसी माध्यम से भारत का नागरिक उड़न क्षेत्र पिछले एक दशक में काफ़ी तेजी से विकसित हुआ है। भारत सरकार ने के तरह 2014 से 2024 तक इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2014 में भारत में कुल 75 हवाई अड्डे थे, 2024 तक एक संख्या बढ़कर 148 हो गई है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक इसे 220 तक पहुंचाना है। अध्यक्ष महोदय, 2027 तक भारत के में संचालित होने वाले विमानों की संख्या 1100 तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में घरेलू यात्री यातायात 306.79 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात में 69.64 मिलियन था, जो 22.3% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2024 में घरेलू यातायात 1.32 मिलियन मैट्रिक टन और अंतर्राष्ट्रीय माल यातायात 2.05 मैट्रिक टन थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके माध्यम से मेरे एरिया के जो एयरपोर्ट है, मैं मुंबई से आ रहा हूँ खासदार करके, सांताक्रूज एयरपोर्ट, इंटरनेशनल छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, यहाँ दो रनवे है मगर एक रनवे उसको दूसरे को क्रॉस करता है, इसके लिए एक ही रनवे करीबन चालू रहता है और एक रेलवे होने से यातायात को, यानी अभी एक सदस्य ने कहा था, सम्मानीय सदस्य ने, कि एक उड़ान उड़ने के पहला दूसरा उड़ान वहां आके बैठा था और उसके माध्यम से अपघात होने का संभव था, तो इसीलिए दो रनवे होना बहुत जरूरी है सांताक्रूज एयरपोर्ट में। और ये न होने का कारण कि आजू बाजू में सांताक्रूज एयरपोर्ट के बाजू में मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ियाँ होगी उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है। मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरी मांग है, जो श्री राम मोहन नायडू जी और मुरली मदन मोहन जी, मेरे को आपसे आंसर चाहिए। जो बजट के टाइम में मैंने जो बजट हुआ उसमें भी मैंने बात की थी कि ये झोपड़पट्टियाँ महाराष्ट्र शासन के माध्यम से, और जिस बजट में हमने 10 लाख करोड़ रुपया जो सिटी का डेवलपमेंट करने के लिए और जो सिटी में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय के वर्गियों के लिए हम लोग को खर्चा करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करने वाले, उसमें का निधि एक मिलके वो माध्यम से हम मुंबई के झोपड़पट्टी जो एयरपोर्ट के आजू बाजू में झोपड़पट्टी है उनको बाजू में रीड, हाँ तो वही बात मैं कर रहा हूँ, उनसे आंसर चाहने वाला हूँ मैं कि उसके मंत्री महोदय से
कि यहाँ जो हम खर्चा एक लाख करोड़ रुपया का निधि जब उसके लिए दिया जाएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो पंतप्रधान आवास झोपड़ जो बिल्डिंग बनेगी उसके अंदर वो बेच के उनका पैसा भी वापस ले सकते हैं और उसके अंदर दो रनवे होने के कारण मुंबई का एयरपोर्ट सक्षम हो जाएगा। इसी प्रकार से नवी मुंबई का एयरपोर्ट भी चालू है, बहुत साल से मैं देख रहा हूँ नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वो कभी बनने जा रहा है ये हमें मालूम नहीं, जितने जल्द मैंने ऐसा सुना था कि इस साल में वो एयरपोर्ट बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस एयरपोर्ट को दीबा पाटिल इनका नाम देने का एक प्रस्ताव आया है, वो प्रस्ताव को भी आप पारित करें, उसका नाम उनका स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पास भेजा है, उनके यहाँ के लोग भी यहाँ आके आपको मिलने आए थे क्या मिले मुझे मालूम नहीं, मगर आपको मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो दीबा पाटिल जी का नाम भी वहाँ देना आना चाहिए। मेरे यहाँ से नहीं मिले क्या मुझे नहीं मालूम बाबा, आप कई सदस्य ने ये भी कहा कि रात को एयरपोर्ट उतारा नहीं जाता है, तो ऐसे रत्नागिरी के अंदर चीपी के अंदर उन दोनों एयरपोर्ट के बारे में अभी तक क्या हुआ मालूम नहीं, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। रत्नागिरी का जब पालक मंत्री था, गार्डियन मिनिस्टर था, तब उसके अंदर जगह एक्वायर करने का जो प्रोसीजर चला था उसके बाद उसका क्या हो गया उसका भी मालूम नहीं, आपके माध्यम से हमें आंसर मिला तो बहुत अच्छा हो गया। और माननीय सुधा मैडम अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जो मैंने कहा उसके बारे में आप आंसर देंगे ये मैं माफी से मांग करता हूँ। जो एयरपोर्ट के बाजू बाजू में जिग्गी झोपड़ियाँ है वो प्रश्न निकालने के लिए आप सहयोग करेंगे, धन्यवाद। मैं प्लीज, हॉनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू फॉर गिविंग